अस्सलामु अलैकुम प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान यज्ञ के इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को व्याकरण में शब्द विचार पाठ 3 पढ़ाने जा रहे हैं। पिछली कक्षा में आपको वर्ण विचार पर चर्चा किए थे और आप लोग को समझाए थे। आज शब्द विचार पर हम लोग बातचीत करेंगे और पढ़ेंगे और आप लोग ध्यान से समझेंगे। तो अब मैं शुरू करता हूँ, ठीक है बच्चों। भाषा की दूसरी इकाई शब्द कहलाती है। शब्दों का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। इसी के आधार पर अनेक कार्य संपन्न होते हैं। बच्चों ध्यान से समझेंगे कि जो भाषा हम लोग जो बोलते हैं, वो भाषा की दूसरी इकाई क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है, ठीक है ना। शब्दों का हमारे जीवन में अत्यधिक मतलब बहुत ही ज़्यादा महत्व है। हम लोग जो भी मुख से शब्द यानी वर्ण बोलते हैं, तो इसी के आधार पर अनेक कार्य संपन्न यानी पूरी होती है, ठीक है ना। अगर हम लोग बोल नहीं पाते तो बहुत मुश्किल हो पाती हम लोग तो एक दूसरे के बातों को समझना, ठीक है ना। लोग बोल ही नहीं पाते, इशारे में जो बात होते थे, ठीक है बच्चों। तो आप इस परिभाषा से समझ सकते हैं कि एक अथवा एक से अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। जैसे एक वर्ण से बने ना का अर्थ नहीं, वर्ण से बने ना का अर्थ नहीं, वा का अर्थ और आदि शब्द है, तथा अनेक वर्णों से बने वसन, महल, ताजमहल, नगर आदि शब्द है। ये किसका है? शब्द का परिभाषा है। वर्णों से बनी स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से बने शब्द को ही हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे, शब्द कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। अब आगे ध्यान से समझेंगे। शब्द बहुत तरह के होते हैं। आप समझ सकते हैं कि ताजमहल, कमल, महल, आगरा, नगर, ये सब क्या है? वर्णों के सार्थक मेल से बने हैं, ठीक है बच्चों। आइए शब्दों के भेद के बारे में जानते हैं। तो शब्दों के भेद जो होते हैं, वो देखिए यहाँ पर दिया हुआ चार। पहला रचना के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, और चौथा वाक्य के आधार पर। आइए सबसे पहला जानते हैं रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, यानी रचना यानी बनावट के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं, यानी तीन भागों में बांटा गया है। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। आइए सबसे पहला जानते हैं कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। तो वे शब्द जिनको अलग अलग करने पर कोई सार्थक अर्थ ना निकले, यानी सही मतलब अगर उसको हम अलग कर देंगे तो उसका कोई भी अर्थ यानी मतलब नहीं निकलता है, तो ऐसे शब्द को रूढ़ शब्द कहेंगे, ठीक है बच्चों। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए हिरण। अब देखिए इसको हम अलग करते हैं, ठीक है, ही अलग हो गया, रा अलग हो गया, ना अलग हो गया। तो देखिए ही अलग जब किए तो इसका कोई मतलब निकल रहा, सिर्फ ही है, रा का कोई मतलब नहीं, सिर्फ एक रा एक वर्ण है, ना भी क्या है? एक वर्ण है। लेकिन जब ये तीनों को हम एक साथ मिलाते हैं तो ये क्या बनता है? हिरण, जिसका एक शब्द मतलब एक अर्थ निकल रहा। तो इसे कह सकते हैं कि रूढ़ शब्द को क्या कहते हैं? कि कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलते, रूढ़ शब्द का कोई सार्थक अर्थ नहीं निकले, ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। अब आइए यौगिक शब्द, कम जिसको कहते हैं कौन सी, यौगिक मतलब जोड़ना, दो शब्दों को मिलकर के एक शब्द तैयार करना। जैसे वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बनते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे धर्म प्लस शाला, धर्मशाला, देखिए दो शब्दों मिलकर के बना ना एक शब्द। दूध प्लस वाला, क्या बना? दूध वाला। हिम प्लस आलय, हिम आलय। विद्या प्लस आलय, विद्यालय, ठीक है बच्चों। तो ये था यौगिक शब्द, यानी दो शब्दों, दो या दो से अधिक शब्द भी हो सकते हैं मिलने से क्या बनता है? वह एक शब्द बन जाता है और उसे ही हम क्या करते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। अब आइए तीसरा समझते हैं
योग योग रूढ़ शब्द, जैसे ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बने हों। ये भी देखिए ऊपर ही वाले जैसा है, लेकिन कुछ खास इसमें है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलने से बने हो पर किसी विशेष अर्थ को दर्शाते हो, यानी वह क्या करता है, कोई खास अर्थ बताता है, वही योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे जलज, जलज क्या है, जो जल में जन्म लिया है, जैसे कि कमल का फूल है ना बच्चों। उसी तरह से पीताम्बर, जैसे पीला है वस्त्र जिसका, तो कौन हो सकता है, विष्णु, ठीक है। नीलकंठ ये भी हो सकता है, चौराहा चार राहों का समूह। ये देखो ये खास अर्थ दे रहा, तो इसे हम कह सकते हैं कि योगरूढ़ शब्द है, ठीक है बच्चों। आगे आइए दूसरा, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, वह तो पहला था रचना के आधार पर कंस्ट्रक्शन, अब आइए उत्पत्ति के आधार पर निम्नलिखित प्रकार होते हैं, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर देखिए चार प्रकार होते हैं। तत्सम शब्द, पहला तत्सम शब्द किसे कहते हैं, संस्कृत के जो शब्द अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयोग होते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे स्नेह, भ्राता, अग्नि आदि। बच्चों ध्यान से समझेंगे, तत्सम यानी संस्कृत शब्द, जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आ गए और उसमें कोई भी चेंजिंग यानी बदलाव परिवर्तन नहीं हुआ है, वही शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। एग्जाम्पल यानी उदाहरण दिया हुआ है, स्नेह, अग्नि, ठीक है ना बच्चों। आगे समझिए तद्भव शब्द। तद्भव शब्द एकदम बहुत ही आसान है, जैसे कि ऊपर वाले में आपको समझाया कि संस्कृत से हिंदी में आया लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वह संस्कृत हो गया। लेकिन यहाँ पे तद्भव शब्द क्या है, हिंदी में संस्कृत का भाषा क्या है, हिंदी में आ गए और हिंदी में आने के बाद में उसमें थोड़ा बहुत क्या हो गया, परिवर्तन यानी बदलाव हो गया है, और बदलाव होने के कारण ही वह तद्भव शब्द कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे गाय, गाय को क्या करते संस्कृत में, गौ। अग्नि को संस्कृत में अग्नि और तद्भव यानी हिंदी में क्या कहते हैं, आग, ठीक है बच्चों। अब समझेंगे देश शब्द। देश शब्द यानी जो हमारे देश में बोली जाती है, हमारे देश में ही इसका उद्भव हुआ है। आइए समझते हैं, वे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में आ गए हैं देश शब्द कहलाते हैं, जैसे झुग्गी, खाट, पगड़ी, पेट, खिचड़ी, खटिया, ठीक है ना बच्चों, खिड़की, ये आदि वगैरह सारे शब्द क्या है, हमारे देश में उद्भव हुए हैं, ये हमारे देश की खुद की बोली है, ठीक है ना बच्चों, हमारे देश की बोली है, इसे ही देश शब्द कहते हैं। आगे समझे विदेशी शब्द, यानी जो हमारे देश में नहीं बल्कि दूसरे देश से हमारे देश में आए हैं। हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो विदेशी भाषाओं से लिए हुए हैं, यानी विदेशी भाषाओं से आए हैं और हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं, ऐसे शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे टेलीविजन यानी अंग्रेजी में कहते हैं, किताब फारसी में, यह फारसी जो है किताब क्या है, अरबी भाषा है, अरबी भाषा। इसी तरह से हलवाई, ये भी अरबी है। चम्मच तुर्की भाषा में, चाय चीनी, पुलिस फ्रांसीसी। तो ये सारे जितने भी शब्द हैं ये विदेशी शब्द हैं जो विदेश से आ गए हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे, ठीक है बच्चों। अब आगे हम समझेंगे अर्थ के आधार पर यानी मीनिंग, बेस्ड ऑन मीनिंग। आइए सबसे पहला समझते हैं अर्थ के आधार पर, पहला है सार्थक शब्द। बच्चों आप लोगों को तो पता ही होगा सार्थक शब्द किसे कहते हैं, जो जिन शब्दों का आप लोगों को पता नहीं तो ध्यान से समझेंगे, जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ हो वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जी हाँ बच्चों आप लोग सही समझे कि जैसे कि लड़का, ये भी सार्थक है, मकान, फूल, बाजार आदि। अगर हम लड़का को कहेंगे लकड़ा तो ये गलत हो जाएगा, मकान को कहेंगे मनाक ये भी गलत हो जाएगा, फूल को कह रहेंगे लूफ ये भी गलत, बाजार को कहेंगे राजाब तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत, जो कि वो हो जाएगा निरर्थक शब्द। जो हमें सही शब्द सही अर्थ बताए वही क्या कहलाएगा, सार्थक शब्द, ठीक है बच्चों। अब समझते हैं दूसरा,
दूसरा तो आपको समझा ही चुके हैं, निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे रोटी, ये तो शब्द है लेकिन ये वोटी क्या है, यही निरर्थक शब्द है। इसे हम बोल चाल की भाषा में सिर्फ इस्तेमाल करते हैं लेकिन इसका वास्तव में कोई अर्थ नहीं। उसी तरह से पानी वानी, यहाँ वोटी तथा वानी निरर्थक शब्द है, ठीक है बच्चों, जिसका कोई मतलब नहीं। अब आइए वाक्य प्रयोग के आधार पर। पहला समझिए विकारी शब्द, आप लोग को भी समझा चुके हैं, फिर से समझ लीजिए। वे शब्द जो लिंग, कारक तथा वचन आदि में परिवर्तन के कारण परिवर्तित हो जाते हैं विकारी शब्द कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। विकारी शब्द किसे कहते हैं? लिंग, कारक और वचन के कारण वह क्या होता है, बदल जाता है, और यही बदलने कारण वह कौन सा शब्द कहलाता है? विकारी शब्द। जैसे घोड़ा, घर, पीला वह जाता है। अब ध्यान दे, घोड़ा जाता है, घर जाता, वह जाता है, घोड़ा जाता है, घोड़ा घर जाता है, पीला, पीला क्या हो सकता है, वह पीला कपड़ा भी पहने हुए है, वह पीला कपड़ा पहन रहा है, तो बदल सकता है ना। मैं बाजार जाता हूँ, वह बाजार जा रहा है। लड़की, देखिए बालिका विद्यालय जाती है, बालिकाएं विद्यालय जाती हैं, तो देखिए परिवर्तन हो गया लिंग कारण वचन के कारण, ठीक है ना बच्चों। इसे ही विकारी शब्द कहते हैं। और विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ठीक है न। संज्ञा घोड़ा, सर्वनाम वह, विशेषण पीला, क्रिया जाता, समझ में आ गया ना। अब हम पढ़ेंगे दूसरा अविकारी शब्द, बच्चों ध्यान से समझेंगे। विकारी शब्द में तो परिवर्तन यानी बदलाव यानी चेंजिंग होता है, लेकिन अविकारी शब्द में नो चेंजिंग यानी कोई बदलाव नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। आइए समझते हैं कैसे। वे शब्द जिनका रूप प्रयोग के कारण ना बदल सके अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे खिलाड़ी तेज दौड़ता है, खिलाड़ी तेज दौड़ते हैं, तो यहाँ देखिए तेज क्या है, अविकारी शब्द है और ये एक विशेषण है, ठीक है ना, जो है क्रिया विशेषण, ठीक है बच्चों, इसे क्रिया विशेषण कहते हैं तेज को। देखिए दोनों में सेम सेंटेंस है लेकिन बदला नहीं गया है, ठीक है ना। अविकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, देखिए जैसे अभी मैंने बताया क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इन चारों पर हम लोग और अगले कक्षा में क्या करेंगे, इस पर बढ़िया से विचार करेंगे, ठीक है बच्चों। आपने क्या सीखा, आप ध्यान से समझ लेंगे। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं। तो बच्चों आपको उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आई होगी और आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको कोई त्रुटि या कहीं पर परेशानी होती है तो आप हमें व्हाट्सएप ज़रूर से कर देंगे, मैं उसे आपको और अच्छे से समझा दूँगा, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।